Hey guys, welcome back to my channel. Hope so you all are doing good और I am also good. तो साथी के बाद में मेरा ये पहला ब्लॉग है और साथी के जो ब्लॉग्स हैं वो भी आएंगे. अभी मेरे पास में टाइम नहीं है और कुछ क्लिप्स नहीं है, वो किसी से लेनी है तो जब भी आएगी तो मैं वो डालूँगी. तो आज मैं कुछ सोच रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस है शादी की, तो मैं जाके तैयार हो जाती हूँ. तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं और हेयर थोड़े स्ट्रेट कर लेते हैं और उसके बाद में तैयार होते हैं. अभी कॉस्ट्यूम सोचा नहीं है, कंफ्यूज हूँ कि लहंगा पहनूँ, साड़ी पहनूँ या फिर पोशाक पहनूँ, बट डिसाइड करते हैं. कुछ मेकअप करते हैं और मेकअप में वैसे मेरी स्किन पे बिल्कुल मेकअप अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी 1% भी. मतलब मुझे और मेरे चेहरे पर सूट ही नहीं होता, पता नहीं क्यों. मैं जैसी ऐसे हूँ ना, जल्दी सी ऐसे ही अच्छी लगती हूँ मुझे खुद को, बाकी पता नहीं लोगों का. सो फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत मेकअप किया जाए, टचअप किया जाए, उसके बाद में रेडी हुआ जाए. और रेडी होने के बाद में आप बताना मुझे कि कैसा मेकअप किया है और कैसी लग रही हूँ, और कुछ वीडियोस बनाएंगे. तो स्टे ट्यून गाइस. देख, आप देख रहे होंगे कि मैंने ना, देखो मेरे बाल, मैंने हेयर कट करवा लिया है एक्चुअली. मेरे बाल बहुत लंबे थे यहाँ तक, बट मैंने कटवा लिए क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है और दूसरा मुझे क्या है कि मेरे से केयर नहीं होती बालों की, बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती मैं बालों की. तो मुझे ऐसे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ. इसमें ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे पोनी बनाओ और आप फ्री एकदम से, और गर्मी के अंदर कोई झंझट नहीं है. सो इससे मैंने अपने हेयर कट करवा लिया. ये मेरा हेयर कट है, वैसे मेरे बाल बनाए हुए नहीं है, पोनी बनाई हुई थी इसलिए ऐसे लग रहे हैं. तो मैं रेडी होने के बाद में आप मुझे बताना कि कैसे लग रहे हैं मेरे बाल. और तो चलो अभी डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं, और कैसे रेडी होना है, कितना मेकअप करना है. सो चलो तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया अपना मेकअप. तो ये देखो मेरे पास कितना सारा मेकअप है, ये सारा पैक है, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. ये मेकअप है यहाँ पे, इसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स है. ये देखो ये मेरे पास में स्विस ब्यूटी की, ये सब मेरे मतलब कुछ मेरे ससुराल से आया है. और ये सारी जो भी है, इतनी सारी लिपस्टिक्स डाली हुई है, ये सारी लिपस्टिक्स है मेरी. और ये सारा मेकअप है, अभी मैंने इसको डाला नहीं है उसके अंदर, तो अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है. कुछ मेरे ससुराल से आया हुआ है और कुछ मेरा है, तो सारा ब्रांडेड है. तो अब चलो यूज़ करते हैं और मेकअप करते हैं. तो ये मैं हूँ और मेरे करने जा रही हूँ मेकअप. गाइस तो मेरे पास जो कंसीलर है वो भी फॉरएवर 52 का है, और अभी ये यूज़ करूँ. वैसे मुझे नीड नहीं है, मुझे लगता मुझे कंसीलर अभी नीड है, बट मैं थोड़ा सा हल्का सा इसका यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी. तो करना है और थोड़ा बहुत नोज पे और बहुत डीप, बहुत लाइट लगा दी मुझे. तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत है मेरे, यहाँ पे तो स्पॉट्स दिख रहा है इस, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे और इसी को गाइस मैं लगा रही हूँ आई शेडो. तो मेरी ड्रेस का जो ब्लाउज़ है वो लाइट मतलब डार्क पिंक है, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूँगी आईज को पिंक के साथ में. तो
ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे मिरर में देख के करना पड़ेगा, तो मैं करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। गाइस तो यहाँ पे मैंने मेकअप कर लिया अपना, और अपार्टमेंट को मुझे नहीं करना आता, बट जितना आता है मैंने कर लिया है। और अभी मेरे बाल मैं बना रही हूँ, तो बाल बना के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस तो यहाँ पे ये मेरा मेकअप हो चुका है, और ये देखो, और मैंने बालों को ज़्यादा स्ट्रेट नहीं किया है क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को बांधने पड़ेंगे, तो इसकी वजह से। और अभी मेरे को मांग भी सही बननी है और बिंदी लगानी है, तो मैंने आज रेड लिपस्टिक भी लगाई है। तो अब देखते हैं आगे का लुक, देखो आप, ये था मेरा मेकअप। गाइस तो मैंने कर लिया है मेकअप, और मेरा है आज का ये ड्रेसअप। आप लोग सोचे होंगे ये कैसा ड्रेसअप किया है, तो ये सीकर का ड्रेस है जो वहाँ पे लोग पहनते हैं, है ना, सेखावटी। तो मैंने सेखावटी लुक लिया है आज, और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। एक्चुअली मेकअप वेकअप मैंने खुद से ही किया है सारा, और ये मेरा ड्रेस है, और इसमें मैं कुछ अभी रील्स शूट करूँगी, तो वो रील्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। और इंस्टाग्राम की आईडी है लाडली बाईसा 486। तो ये मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। और ये देखो, और ये ड्रेस मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती, बट यस। मेरे रील शूट करने के लिए मेरे देवर जी ऊपर हो, इनको बोला ऊपर आ जाओ, ये तो देख रहा है कि कहाँ से आवाज आ रही है। ब्लॉग बन रहा है, किसने महीना भर रखा फिर हटा दिया, कर दिया। गाइस तो यहाँ पे मेरी जो है रील्स शूट हो रही है, और मैं रेडी हो रही हूँ कि रील्स जो है किधर से अच्छी आएगी। और बैकग्राउंड हम चेक कर रहे हैं, फ़ोन का कैमरा चेक कर रहे हैं, तो इसके बाद में हमने कुछ रील्स शूट की जो ये है, कुछ स्लो मोशन में की है, और कुछ सिनेमैटिक्स भी बनाए थे, तो वो भी मैं इंस्टाग्राम पर डालूँगी। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको दी है लाडली बाईसा 786 करके, तो आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और जो भी मेरी रील्स है आप वहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी मैंने रील्स बनाई है उसकी कुछ एक क्लिप्स है जो मैंने इसके अंदर डाली है, जो आप देख रहे हो अभी, और जो बाकी सब क्लिप्स है वो शॉर्ट्स में आएगी, या तो आप उस वहाँ पे देख सकते हो, अदरवाइज़ आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आईडी मैंने पहले भी मेंशन की है, वो लाडली बाईसा 786 करके है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। गाइस तो मेरे फोटोज़ और वीडियोस बन चुके हैं, और मैंने चेंज कर लिया है, और अब मैं हो गई हूँ तैयार, मेरे को जाना है ससुराल। तभी मैं मेकअप को रिमूव करूँगी, ऐसा मेकअप करके मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, बाय बाय। मैंने बहुत सारा बिखेरा फैला दिया है यहाँ पे, तो ये मेरे को सब समेटना पड़ेगा। ये मेरे को बोल रही है सब समेटने के लिए, ये सब मैंने बिखेरा किया हुआ है, ये सब समेट के फिर जाएंगे। ये मैंने बिखेरा किया हुआ है, इसको समेटना है मेरे को। गाइस इसको समेटना है मेरे को, गौर से देखिए, आज के ब्लॉग में ये नहीं आई ना, हाय कर दो वो ना इसके हाय के बिना मेरा ब्लॉग अधूरा है। सो गाइस ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, और बहुत सारा शेयर करना, बहुत सारे व्यूज आने चाहिए मेरे ब्लॉग पे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।